तो ये है डेटा सेंटर और राजस्थान की तस्वीर। अगर आज की तारीख में राजस्थान में चुनाव हो जाए तो क्या होगा बीजेपी का, क्या होगा कांग्रेस का, क्या मोदी का जादू राजस्थान में चलेगा? देखिए ये बड़ी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये देखिए आप 2013 के नतीजे विधानसभा चुनाव के, जब थे 200 सीटें जिसमें से 163 बीजेपी को गई थी, 21 गई थी कांग्रेस को और 16 अन्य के खाते में गई थी। ये तस्वीर 2013 की। लेकिन देश का सर्वे, देश का मूड 5 साल बाद 2018 आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो राजस्थान की तस्वीर क्या होगी? तस्वीर आपके सामने है। 39% वोट शेयर बीजेपी को, लेकिन 44%, ध्यान दीजिए इस आंकड़े पर, 44% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जा रहा है राजस्थान में, अन्य के खाते में 17% वोट शेयर, यानी बाजी पलट रही है 5 साल बाद। इसको आप 2013 से कंपेयर कीजिए, ये जो तस्वीर आ रही है 45% वोट शेयर बीजेपी का था जो घट करके 39% पर आ गया है। कांग्रेस पार्टी 33% वोट शेयर पर थी 5 साल पहले 2013 में, बढ़कर 2018 में आज की तारीख में 44% पर आ रही है। यानी राजस्थान कांग्रेस के पाले में जा सकता है, बीजेपी के हाथ से निकल सकता है रोमाना देश के सर्वे में। तो रंग रंगीले राजस्थान से हमने ये शुरुआत की है और इससे जो बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा, आंकड़ों के जरिए हम सियासी तस्वीर उकेर रहे हैं और ये आंकड़े राजस्थान के क्या सियासी तस्वीर उकेर रहे हैं, ये कि बीजेपी के हाथ से निकल सकता है राजस्थान। ये बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है, राजस्थान बीजेपी के हाथ से निकल सकता है, राजस्थान में कांग्रेस वापसी कर सकती है, यह संभावना जो इस वक्त हमारे सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं। इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए यह बेहद बुरी खबर हो सकती है। राजस्थान गया तो एनडीए के पास कितने राज्य बचेंगे? 19 राज्य। राज्यों की संख्या जो है एनडीए के वो घटेगी। राजस्थान गया तो एनडीए के पास 19 राज्य ही बचेंगे और साथ ही 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये जो मुराल होता है उसे बड़ा झटका बीजेपी को लगेगा। जो कार्यकर्ता है जमीन पर, जो काम करता है, यकीनन उसके उत्साह पर भी ये नकारात्मक असर डालेगा। तो बड़ी बात इस वक्त सर्वे में निकल कर आ रही है, राजस्थान में कांग्रेस आगे, कांग्रेस को 44%, बीजेपी को 39% वोट मिलने की संभावना और राजस्थान में बीजेपी की वापसी बेहद मुश्किल नजर आ रही है। और अब हमारे साथ राजनीतिक मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। देखिए सचिन पायलट साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। सचिन बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और ये जो सर्वे का पहला आंकड़ा है रंग रंगीला राजस्थान का जो हमने अभी दर्शकों को दिखाया, ये कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आया है क्योंकि 5% आप कांग्रेस बीजेपी से आगे नजर आ रही है वोट शेयर में। पिछले कुछ सालों में जो सरकार की कार्रवाई रही है उससे जनता बेहद नाखुश है और हम सब लोगों ने मिलकर एक सक्रिय वातावरण निर्मित किया है। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं हूँ क्योंकि हाल ही में अभी वहाँ बाय इलेक्शंस हुए थे पार्लियामेंट के, विधानसभा के, और लगातार वहाँ पर एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है। और ये सिर्फ मैं समझता हूँ आने वाले राज्यों के बारे में आखिरी और आप प्रस्तुत करेंगे, लेकिन जो भाजपा का ग्राफ है उसका पतन बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से होगा। और राजस्थान में ये बात सच है कि पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सिर्फ 21 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने लगातार मेहनत करी है और नौजवान, किसान, सब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े हैं। ये सर्वे सीटें नहीं बता रहा है लेकिन वोट प्रतिशत बता रहा है और ये एक, अब इसमें बढ़ोतरी होगी, जो गैप है बीजेपी और कांग्रेस का इसमें हम लोग और मेहनत करेंगे और गैप बढ़ेगा और मुझे लगता है कि एक पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बन सकती है। जी 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 जी, हमारे साथ ना यहाँ पर पत्रकारों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है, हमारे एक्सपर्ट्स जो आपसे सवाल भी लेना चाहते हैं और मैं भी आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि राजस्थान के अंदर टर्निंग पॉइंट जो उपचुनाव हुए वो साबित हुए कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए। लेकिन एक सवाल अभय दुबे जी का पहले। सचिन जी, मैं अभय कुमार दुबे हूँ। मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुजन समाज पार्टी का भी कुछ प्रभाव है और चूंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ आप एक राष्ट्रीय गठजोड़ बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है कि राजस्थान में आप बहुजन समाज पार्टी के लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ेंगे, हालांकि वहां पे आप एक बड़ी पार्टी हैं राजस्थान में गठबंधन बीएसपी के साथ? देखिए, राजस्थान की राजनीति हमेशा दो धड़ों में बटी आई है,
कांग्रेस और बीजेपी और वहां पर अन्य बाकी दल हैं, ऐसा नहीं कहता हूं कि दल नहीं है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का होगा। बीएसपी की वहां कुछ सीट हर बार आती हैं, एक दो तीन सीटें आती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव पूरे परिप्रेक्ष्य प्रदेश में उनका पड़ता हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी बाकी दल क्या करेंगे वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजस्थान में जो संख्या बल है, जो कार्यकर्ताएं हैं, हमारी ताकत है, वो मुझे लगता है पर्याप्त है कि हम लोग बीजेपी को वहां शिकस्त दे सकें। लेकिन सब लोगों को साथ लेकर चलना, ये हम लोगों ने हमेशा से किया है। राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ तो हमने खुद एनजीओस को, जो किसानों की बात करते थे, जैसे सपा हो, बसपा हो, जनता दल हो, सब लोगों को साथ लिया मुद्दों के आधार पर। लेकिन गठबंधन के लिए कहना, मैं समझता हूँ, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। जी, सवाल इसलिए क्योंकि 2019 के लिए गठबंधन की जो तस्वीर है वो कांग्रेस की तरफ से ही बनाई जा रही है ना। हम राजकिशोर का सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। सचिन, आपसे। सचिन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वहां पर सरकार बनती है कांग्रेस की, तो मुख्यमंत्री आप होंगे या अशोक गहलोत होंगे या कौन होगा? क्योंकि चेहरों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कोई युवा चेहरा सामने आए, लेकिन ओल्ड गार्ड्स भी पूरी मजबूती से अपना झंडा गाड़े हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री कौन होगा? राजकिशोर जी, मैं आपको एक बात कह सकता हूं और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जो भी होगा कांग्रेसी होगा। अब वो कौन होगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा, चिंता का विषय नहीं है। आज तो हमें भाजपा को एक्सपोज करना है, सरकार अपनी बनानी है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, और पदों के पीछे भागना ये कांग्रेस की आदत नहीं रही, कांग्रेसियों की। हम लोगों को बहुत परिवार ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन मुद्दों को लेकर, हमारे लोगों की जनभावना को लेकर आगे बढ़ें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब मिलकर काम कर रहे हैं राजकिशोर जी, अगर हम लोग आपस में खिंचाव रखते तो कांग्रेस पार्टी इतना मजबूत नहीं हो सकती थी। लेकिन सचिन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जहां कांग्रेस ने चेहरा दिया है वहां पर उसका फायदा कांग्रेस को मिला है? इस वजह से सवाल आपसे पूछ रहे थे, चाहे पंजाब हो या फिर कर्नाटक के अंदर भी, जिस तरीके से सिद्धारमैया का चेहरा आगे रखकर लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने, तो चेहरा क्या कांग्रेस आगे रखेगी राजस्थान चुनाव में, ये जानना चाहते हैं। राजस्थान कांग्रेस में चेहरों की कमी नहीं है, भाजपा के एक तो हमारे पांच चेहरे मौजूद हैं और हम सब यूनाइटेडली लड़ रहे हैं चुनाव, हर एक को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। हम सबका अंतिम उद्देश्य है कि वहां सरकार बने, पद किसको मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट किसी के लिए नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सचिन पायलट जो कह रहे हैं गठबंधन विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ होगा या नहीं इस पर फैसला लिया जाएगा, इसके अलावा चेहरा प्रोजेक्ट करेगी पार्टी या नहीं विधानसभा चुनाव में इस पर भी कुछ साफ तौर पर अपने पत्ते वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मोदी सरकार के चार साल पर सबसे बड़ा सर्वे देश का मूड इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। राजस्थान से हमने शुरुआत की है। राजस्थान विधानसभा की एक तस्वीर जो सर्वे के जरिए उभर कर सामने आई, उसमें बीजेपी के लिए बुरी खबर, क्योंकि बीजेपी पीछे है, कांग्रेस आगे है। 5% वोट शेयर का फर्क दोनों दलों में, और इस वक्त बीजेपी के नेता प्रभुलाल सैनी जो राजस्थान में कृषि मंत्री हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभुलाल सैनी साहब, बुरी खबर बीजेपी के लिए राजस्थान से? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी एनडीए की जो सरकार है, जहाँ प्रधानमंत्री जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, और राजस्थान में जिस सर्वे की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से सर्वे एक अलग चीज़ है, लेकिन राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में आम जन को जोड़ते हुए युवा, महिला, सभी क्षेत्रों में काम करने का हम लोगों ने काम किया है। अब मैं समझता हूँ कि सर्वे अपने तरीके के होते हैं, और वैसे राजनीति में यदि हम ये देखें कि कोई सर्वे के आधार पर कोई राजनीतिक पार्टियाँ चलती होगी, मैं समझता हूँ पार्टी इसको एक संकेत मान सकती है, लेकिन इसको आखिरी उद्देश्य नहीं मान सकती। नहीं नहीं सर, आप राजस्थान अपनी समझ बनाए रखने के लिए आपने तमाम अच्छी बातें गिना दी हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में कई सवाल भी है। वरिष्ठ पत्रकारों का जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, विनोद अग्निहोत्री जी का एक सवाल लीजिए आप। सैनी जी, हम सर्वे पर ही बात करते हैं, बाकी आप आत्मविश्वास तो अपनी जगह रहेगा ही। 11% का फायदा कांग्रेस को हो रहा है और भाजपा जो है नुकसान में जा रही है, तो ये जो सर्वे के नतीजे हैं इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, या केंद्र सरकार को लेकर के कोई नाराजगी है? और दूसरा ये है कि अभी तक आपका प्रदेश अध्यक्ष भी तय नहीं हो पाया है। एक सवाल, राजस्थान में अग्निहोत्री जी, देखिए अग्निहोत्री जी, जैसा आपका प्रश्न है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आपने लोकतंत्र का तकाजा देखा होगा,
अब तक आज़ादी के 70 वर्षों में कई बार चुनाव हुए और चुनाव अपने हिसाब से अपने नज़रिए से मतदाता वोट देता है, लेकिन जो भी पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसके अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं, अपने अपने सिद्धांत होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश को सर्वोच्च मानकर काम हम लोगों ने किया, हमने राष्ट्र को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन यदि हम ये देखें तो उसको एंटी कन्वेंसी हम नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से दावे के साथ हम कह सकते हैं कि 2018 फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी, और यदि थोड़ी भी कमी खामी हमको नजर आएगी तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग काम करेंगे। इस सर्वे को हम लोग एक चुनौती मान के काम करेंगे, चुनौती मानकर जो भी छोटी मोटी कमी खामी रही होगी उसको ठीक करने का प्रयास हम लोग करेंगे। सर बहुत बढ़िया सकारात्मक जवाब आप दे रहे हैं कि इस सर्वे को चुनौती मानकर आप काम करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो अंतर कलह पार्टी के भीतर दिखी राज्य नेतृत्व की केंद्रीय नेतृत्व से, क्या ये उसका खमियाजा तो नहीं भुगत रहे हैं आप लोग? देखिए, हम दूसरी विपक्ष की पार्टी की यदि बात करते हैं तो आज उनके घर में भी आंतरिक कलह मचा हुआ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अकेले मिलकर चुनाव लड़ती है, अब रही दक्षता योग्यता के आधार पर प्रदेशाध्यक्ष कौन हो, ये विषय पार्टी का आंतरिक मामला है, इसे आम जनता के लिए और किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी का विषय नहीं है। हम लोग जल्दी ही, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ आपको कि जो भी हमारा प्रदेशाध्यक्ष बनेगा वो राजस्थान का बनेगा, हम अन्य राज्य से लाके कभी भी प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाएंगे, जैसा कि कांग्रेस में प्रथा रही है बाहर के लोगों को लाके प्रदेशाध्यक्ष बनाती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार के, जो कह रहे हैं कि सर्वे में जो आंकड़े हैं उसे वो चुनौती मानकर आगे प्रदेश में अपनी रणनीति बनाएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।